10,000 रुपए की पूंजी से एक सामान्य से छोटे से व्यापारी ने कपड़े की दुकान खोली और उसको बना दिया 30,000 करोड़ का ब्रांड, वो भी मात्र 23 साल। आज उस ब्रांड के 600 इंडियन स्टोर हैं, 12 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टोर हैं और साल के 40 लाख से ज्यादा पीस वो बेचता है। बट कैसे? इस दुकान के मालिक ने अपने पिताजी से 20,000 रुपए को लेकर छोटी सी बहस पे पिताजी की दुकान छोड़ के खुद की दुकान चालू की और आज पर्सनली इनकी नेटवर्क 20,000 करोड़ रुपए है और देश के 50वें सबसे अमीर व्यक्ति है, वो भी बिना किसी लोन के, वो भी बिना किसी इन्वेस्टर के सपोर्ट के, खुद की मेहनत और बिजनेस सेंस के दम पे। आज की केस स्टडी सुपर स्पेशल है, मेरे दिल के करीब है, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, ब्रांड कैसे बनाते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, छोटी सी दुकान बड़ी बुलंदियों पे कैसे पहुंचती है बिना लोन के, बिना पैसे के, सिर्फ दिमाग के दम पे। उस ब्रांड का नाम है मान्यवर और उस बिजनेसमैन का नाम है रवि मोदी। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मान्यवर की 4 बिजनेस स्ट्रेटजी और 7 बिजनेस लेसन जो आपके बिजनेस को अगला मान्यवर बना सकते हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करें वीडियो की शुरुआत। जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, इस केस स्टडी को अंत तक देखना, क्योंकि जितने भी आपके बहाने हैं कि सर मैं छोटा व्यापारी हूं, मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे तो कोई लोन ही नहीं दे रहा, सर इतने आदमी कैसे संभालूंगा, सर इतने पैसे कैसे लेके आऊंगा, सर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, हे राम, तो ये कहानी आपको बताएगी कि बहाने सिर्फ बहाने हैं, आपका आलस है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस केस स्टडी में सारे रस्ते भी हैं कि क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है और कैसे कैसे दूर होती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जाते जाते एक सुपर स्पेशल रिक्वेस्ट, जिन भी भाई का कपड़े से रिलेटेड काम है या शादी के व्यापार से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करते हो, ये वीडियो व्यक्ति के मोबाइल में होना चाहिए। ये आप ये मान के चलो, चाहे मेरा रिक्वेस्ट मान लो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ये नहीं बोलूंगा, पर मैं बोलूंगा वीडियो को शेयर करना हर उस व्यापारी के साथ जो शादी या कपड़ा इन दोनों चीजों से ज्यादा जुड़ा हुआ। बिजनेस की शुरुआत होती है बिजनेसमैन से और हमारी कहानी चालू होगी रवि मोदी से। रवि मोदी जी के पिताजी की कलकत्ता में 140 स्क्वायर फुट की छोटी सी कपड़े की दुकान थी और जैसा कि बिजनेसमैन फैमिली में होता है, बच्चों को छोटी उम्र से दुकान पे बुला लिया जाता है। तो 13 साल की उम्र से रवि मोदी जी का दुकान पे आना जाना चालू हो गया था। तो स्कूल के बाद दुकान पे, सैटरडे संडे दुकान पे, वहां दुकान पे उन्होंने 9 साल काम किया और सेल्स के बारे में बारीकी से चीजें सीखी। उनका एक कहना था कि भैया देखो, अगर कोई ग्राहक आया है एक शर्ट लेने और तुमने एक शर्ट ही बेच दी, तो तुम तो पोस्टमैन हो, ढाकी हो, तुमने क्या किया? तो ये एक शर्ट लेने यार, तो उसको 3 शर्ट बेचो, तभी तो तुम सेल्समैन हो। तो इस कॉन्सेप्ट को टेक्निकल भाषा में कहते हैं क्रॉस सेल या अपसेल, कि कोई शर्ट लेने आया तो उसको पैंट बेच दो, ये क्रॉस सेल होता है, और कोई एक शर्ट बेचे उसको 2 शर्ट बेच दो तो ये अपसेल है। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने किताब से नहीं एमबीए किया, जीवन के एमबीए से सीख लिया। तो यहीं पे आता है आपका बिजनेस लेसन नंबर 1। बिजनेस की शुरुआत करनी है, बिजनेस कुछ नहीं है, बिजनेस कॉमन सेंस है, बिजनेस प्रैक्टिकलिटी है, बिजनेस बाजार को समझना है, तो इसको जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बढ़िया है। हल्दीराम जो थे 11 साल की उम्र में बिजनेस पे आ गए थे और वॉरेन बफे 12 साल की उम्र में। तो अगर आप एक बिजनेस फैमिली हो और आपने सोच रखा है कि बच्चे को आगे पीछे बिजनेस में डालना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पढ़ाओ लिखाओ मत, लेकिन हाँ, बहुत अर्ली से उसको दुकान ऑफिस का आदत डाल दो ताकि उस माहौल में रचे बसे समझे। और अगर आपकी बिजनेस फैमिली नहीं है, आप जॉब में भी है, तो भी जल्दी से जल्दी अपनी इंटर्नशिप चालू कर दो। किताबें अपनी जगह है, फॉर्मेलिटी अपनी जगह है, लेकिन जो दुनिया सिखाएगी, जो बाजार सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा। तो पहला बिजनेस लेसन है, याद रखना। अब भाई साहब दुकान पे वही हुआ जहां पे बाप बेटे साथ में काम करते हैं या दो भाई साथ में काम करते हैं, कोई भी फैमिली बिजनेस होता है तो वहां होता है डिस्प्यूट। पिताजी की अपनी सोच, बच्चे की अपनी सोच। ये कह रहे हैं पिताजी आप पैंट शर्ट जींस टी शर्ट तो काम करते हो, कुर्ते पजामे का भी करो, आजकल तो बहुत चलते हैं। तो पिताजी ने बोला आपने बाप को धंधा सिखाएगा क्या, ऐसे थोड़ी होता है, मैं आज तक बेचता हूं, मेरा अनुभव बढ़िया है। तो भाई साहब रवि मोदी जी ने कहा ठीक है भाई, आपकी मानेंगे। लेकिन एक दिन पिताजी चले गए 7 दिन बाहर, इन्होंने पीछे से चुपके से मंगा ली 100 कुर्ते। 100 कुर्ते मंगाए, जब वापस आए पिताजी को पता चला 100 कुर्ते मंगाए तो गुस्सा आया बहुत, लेकिन पता चला 7 दिन में 80 बेच भी दिए, तो गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। लेकिन कहते देख मेरे पीछे से 8 डिसीजन लिया, दोबारा मत लेना। पर रवि मोदी जी बिजनेसमैन आदमी के कीड़ा होता है, वो कहता आज ये करूं, कल वो करूं, ये एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट। तो धीरे धीरे रवि मोदी जी अपने लेवल पे कोई डिसीजन लग गया जो पिताजी को नहीं सुना। तो एक दिन पिताजी ने इनको सुना दिया कि यार तू उल्टे सीधे डिसीजन लेता है, तो एक दिन हमको सबको बर्बाद करेगा और हो सकता है मुझे एक दिन सुसाइड करना पड़े तेरी वजह से। ये बात रवि मोदी के दिल पे लग गई कि यार पिताजी ने छोटे से डिसीजन, एक 20,000 का सौदा मैंने क्या कर लिया, ऐसे बोल दिया, पिताजी कल से आपकी दुकान पे नहीं आऊंगा, जय जय राम, चल दिए। इस स्थिति में गए माताजी के पास, माताजी बोले मम्मी 10,000 रुपए चाहिए, मैं मेरी खुद की दुकान खोलूंगा और
मेरे हिसाब से धंधा करूंगा, पिताजी की बात नहीं समझ में आती। तो मम्मी से 10,000 रुपए लेके खुद की दुकान खोली वेदांत फैशन। इनकी 21 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 22 में बच्चा, बच्चे का नाम था वेदांत, तो बच्चे के नाम पे दुकान खोल दी। बिजनेस लेसन नंबर 2, ग्रेट बिजनेस जब बनते हैं ना तो इनसाइट पे बनते हैं। इनसाइट का मतलब कोई ऐसी चीज जो बाजार में रह के आपको एकदम से क्लिक करती है कि यार इस चीज की डिमांड है, लोग पैसा देने को तैयार है, पर ये चीज तो कोई कर नहीं रहा, क्या मैं कर लूं क्या। तो जितने भी बड़े बिजनेस बैठे ना सबके पीछे यही चीज थी। तो इनको यहां पे इनसाइट मिली कि भैया वेस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न, बड़ी कंपनियां सब वेस्टर्न के पीछे, बेचने वाला सब वेस्टर्न के पीछे, कोई इंडियन को ध्यान नहीं दे रहा, एथनिक को ध्यान नहीं दे रहा, और डिमांड तो इसकी भी आती है। तो अगर ये गैप है, अगर ये कवर करूंगा तो कुछ होगा। तो पिताजी की इच्छा के विपरीत उस ट्रेंड पे काम चालू किया और फिर आगे जाके कितना बड़ा ब्रांड बना वो तो अपन डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन शुरुआत की ऐसा करूंगा यहां से बीज डला था। और यहीं पे आता है बिजनेस लेसन नंबर 3। ये कंट्रोवर्शियल होने वाला है इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं। मेरे कहने का मतलब है, कभी कभार क्या होता है जब भी फैमिली बिजनेस में दो लोग, बाप बेटा, भाई भाई साथ में काम करते हैं और दोनों की सोच अलग अलग होती है, तो कई बार हम किसी कारण से किसी बहुत अच्छे आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। मैं ये नहीं बोल रहा पिताजी की बात मत मानो, मैं ये नहीं बोल रहा धंधा छोड़ के खुद का धंधा कर लो, पर मैं ये कह रहा हूं अगर आप किसी आइडिया को लेकर कन्विंस हो, आपने बाजार में ट्रेंड देखा है, उसको डेटा से प्रूव किया है, एक्सपेरिमेंट किया है और अंदर से जोरदार आवाज आ रही है ना, तो वेट मत करो दुनिया क्या कहती है, क्योंकि आज वही पिताजी रवि मोदी कहते हैं मेरा राजा बेटा तूने इतना बचकच कर दिया। तो अगर आप सही हो और आपको लगता है कि मैं सही हूं तो कुछ एक बार ट्राई करने का प्रयास कर सकते हो, पर ऐसा नहीं एकदम से कूद पड़े। पर यह मत सोचो कि मेरे दिमाग में एक आइडिया था फलाने ने इंप्लीमेंट कर दिया, ये रोना मत रखना जीवन में। कंपनी का नाम था वेदांत फैशन, लेकिन भैया वेदांत नाम से क्या ब्रांड बनेगा, तो बोले ब्रांड के लिए अलग नाम चाहिए। तो क्या नाम रखें, बोले यार मेरे को चाहिए इज्जत, पिताजी ने दी नहीं बाजार से चाहिए, तो क्या रखें, मैं चाहता हूँ सब मुझे इज्जत से पेश करें, तो एक काम करते हैं नाम रखते हैं मान्यवर। इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया LFS, लार्ज फॉर्मेट स्टोर को, पेंटालोन, विशाल, मेगामार्ट, इनको धंधे का 20-30% क्या करते थे, चाहे कम मार्जिन पे हो पर नकद में माल बेचते थे, और बाकी जो माल था 70-80% वो बाकी रिटेलर्स को बेचते थे, लेकिन थोड़ा मार्जिन उसमें हैवी रखते थे क्योंकि उस समय और कोई दे नहीं रहा था। सोचो ना, सब पैंट शर्ट जींस टी शर्ट में थे या अकेले कुर्ते पजामे थे, तो माल फटाफट बिक रहा था और जिस रेट पे बेच रहे थे उसी रेट पे बेच रहा था। और ऐसे करते करते कुछ ही सालों में इनका टर्नओवर पहुंच गया 20 करोड़ रुपए। अब इन्होंने कहा LFS या लार्ज फॉर्मेट स्टोर को देने में एक समस्या है बहुत बड़ी। क्या है साहब, ये कस्टमर का डेटा ही शेयर नहीं करते कि मेरा प्रोडक्ट कौन कौन लेके गए और क्या क्या चीज पसंद आई क्या क्या चीज नहीं पसंद आई। कस्टमर की सोच का पता नहीं चलेगा, उसकी इनसाइट पता नहीं चलेगी, तब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग में क्या करूं क्या बनाऊं, इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन था। तो उन्हें काम करते हैं खुद का एक स्टोर डाल देते हैं, तो जब खुद का ग्राहक आएगा तो डेटा लेंगे, उससे सोच लेंगे, पता पड़ेगा बाजार में चल क्या रहा है। तो ऐसे उन्होंने खुद का पहला स्टोर भुवनेश्वर में डाला और वहां से ये चीजें सीखनी चालू की। तो एक बार समझो, इनका भी लार्ज फॉर्मेट स्टोर LFS में माल जा रहा है, इनका थोड़े रिटेलर में माल जा रहा है, इन्होंने खुद का एक स्टोर खोल दिया, फिर उन्होंने दूसरा खोल दिया, तीसरा खोल दिया, लेकिन अब इनको एक टेंशन हुई कि सर जी स्टोर खोलने में पैसा बहुत लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, ऊपर से फिर लोग बाग भी संभालने पड़ते हैं, कौन कितने एम्प्लॉई रख रहे हैं, उनकी हायरिंग, उनका मैनेजमेंट आया नहीं आया, बहुत माथाफोड़ी है। तो यार अगर ऐसे स्टोर खोलेंगे तो तीन में ही हालत खराब हो रही है, जिस दिन 30 खोलेंगे 300 खोलेंगे मर जाएंगे। तो इन्होंने कहा यार ये मेथड है कोको मेथड, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, ये वाला काम नहीं करेंगे यार। तो फिर क्या करें, बोले अपन करते हैं फोको। और फोको क्या हुआ, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तो इन्होंने अपने ब्रांड की कहा भैया फ्रेंचाइजी ले लो, तुम पैसा लगा दो, तुम स्टोर खोल दो, संभाल हम लेंगे। तो इस मॉडल पे भी इन्होंने बाजार में काम करना चालू किया, लोगों ने फ्रेंचाइजी ली और संभालने ये लग गए। अब इन्होंने एक चीज देखी कि यार फ्रेंचाइजी देने से पैसे की दिक्कत तो खत्म हो गई, पैसा तो ज्यादा नहीं चाहिए, वो तो दुनिया लगा रही है, लेकिन संभालने की तो माथाफोड़ी आज भी है यार, ये भी नहीं चाहिए यार, फिर क्या करें। बोले और तेजी से एक्सपेंड करना है तो फिर यार ये फोको भी नहीं चलेगा, पूरा फोफो मेथड लगा देते हैं। तो फोफो क्या होता है, फोफो मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। भैया तू ही फ्रेंचाइजी लगा, तू ही तेरा स्टाफ रख, तू ही माल बेच, मैं तीन चीज करूंगा, क्या, मैं डिजाइन बनाना मेरी जिम्मेदारी, मार्केटिंग करना मेरी जिम्मेदारी, और तेरी दुकान पे माल पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि ये तीनों काम तो सेंट्रलाइज तरीके से कर लूंगा, माल बना के कहां कहां भेजना है, क्या क्या बनाना है और मार्केटिंग, लेकिन ये एक एक स्टोर नहीं संभलेगा। और जैसे ही इन्होंने इस फोफो मेथड पे आए ना, आग लग गई भाई साहब, ये 600 स्टोर क्यों खुले, फोफो थे ना इसलिए खुले, कोको होते फोको होते नहीं खुलते भाई साहब। तो बिजनेस लेसन नंबर 4, अगर आपको रॉकेट की स्पीड से बढ़ना है कि भैया मेरे को तेजी से बढ़ना है, तो आपके लिए बेस्ट मेथड है फोफो, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट कहता है मैं ही बनाऊंगा मैं ही करूंगा, उसकी स्पीड धीरे ना, धीरे 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 करता है, इतने साल लगे जब इतने स्टोर बने, तेजी से काम होता है तो किसमें होता है, फोफो में।
ध्यान रखना। अरे राहुल जी यार, स्टोर खोलने से क्या होता है, हम 10 खोल दे, 20 खोल दे, 50 खोल दे, ग्राहक तो आते ही नहीं है, यही तो असली कलेश है। उसके लिए मान्यवर कहता है मेरे पास दूसरी स्ट्रेटजी है, क्रिएशन ऑफ ए ब्रांड। देखो जिन जिन लोगों ने मेरी व्यापारी टू सीईओ क्लास संडे को अटेंड की है, जो मैं 10 से 2 करता हूँ हर संडे, उसमें आपको याद है मैं एक बात बार बार बोलता हूँ कि ग्राहक आजकल आता नहीं है, ग्राहक को बुलाना पड़ता है, और ग्राहक को बुलाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसे कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग करने से पहले करनी पड़ती है ब्रांडिंग, क्योंकि अगर आप बोलोगे हम सब कुछ बेचते हैं तो लोग तुम्हें जानेंगे ही नहीं, पहचानेंगे ही नहीं, भीड़ में गुम जाओगे। भीड़ से अलग हटना है तो ब्रांड बनाना पड़ेगा, एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। तो रवि मोदी ने कहा भैया कैसे बनाए पहचान यार, ये बताओ। शादी भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है, जितना सेलिब्रेशन जितनी खुशियां जितना खर्चा, और बिजनेसमैन की जितनी कमाई और जितनी सेल शादी में होती है उतनी कहीं नहीं होती, ये शादी से जुड़े हुए लोग अच्छी तरह जानते हैं। इंडिया में हर साल 1 करोड़ शादी होती है, एवरेज बजट 10 लाख मानो, 10 लाख करोड़ का मार्केट है, पर इतने बड़े मार्केट में इंडियन ब्रांड अभी है ही नहीं, सारा मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। और रवि मोदी ने देखा भैया कपड़े की जितनी भी शॉपिंग होती है ना 95% अनऑर्गेनाइज्ड है, सबने अपने अपने आदमी पकड़े हुए हैं, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, तो अगर इसमें ब्रांड बने तो अलग पहचान बनेगी। तो इन्होंने कहा भैया मुझे सारे कपड़े नहीं बेचने, मान्यवर को तो तुम जब भी याद करो, कब याद करना, जब शादी हो, और अपनी 100% ब्रांडिंग 100% मार्केटिंग ऐसे की शादी मतलब मान्यवर। शादी है तैयार होकर आइए। इसकी शुरुआत कहाँ से करें, मार्केटिंग कहाँ करें, बोले ऐसी जगह करो जिनकी जेब में थोड़ा पैसा हो। पैसे वाले लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखते हैं, तो इन्होंने अपने एड चालू किए मल्टीप्लेक्स में। जब आदमी 500 रुपए का पॉपकॉर्न लेके बैठा है और 2 मिनट कहीं आने जाने की जगह भी नहीं है, मान्यवर का ऐड आता है बढ़िया सा इमोशनल सा एक सेलिब्रिटी के साथ, बंदे को लगता है हाँ ब्रांड सही है, अब की बार शादी में ये ट्राई करके आएंगे, बढ़ गई सेल। इसमें ऐड किया, इससे सेल बढ़ी, जो सेल बढ़ी उससे और मार्केटिंग की, धीरे धीरे आईपीएल में पकड़ बनाई और आईपीएल की 3 टीमों को ये स्पॉन्सर करने लगा। और जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान्यवर की जिंदगी में लगा वो लगा जब 2017 में इन्होंने विराट कोहली का साइन किया और उसी साल में वो बने कैप्टन, तो भाई साहब और वैल्यू बढ़ गई। और विराट कोहली आने के बाद इन्होंने कहा सुनो एक काम करते हैं, अभी तो शादी मतलब मान्यवर है, अपन बोलते हैं शादी नहीं सेलिब्रेशन, किसी भी तरह का हो, हर त्योहार में भी मान्यवर होना चाहिए। तो विराट कोहली के साथ एक ऐड चालू किया था, हर त्योहार इंडिया का त्योहार, हमें तो खुशी का बहाना चाहिए यार, हर त्योहार इंडिया का त्योहार। और उसमें मान्यवर ने लॉन्च किया कि हम वेडिंग वियर नहीं है, हम सेलिब्रेशन वियर है। और उसी समय भाई साहब अनुष्का से अफेयर चल रहा है विराट जी का और शादी की बातें चल रही, तो इन्होंने कहा इससे बढ़िया कपल तो इस समय इंडिया में ही नहीं है, एक काम करें अनुष्का को भी साइन कर लेते हैं। और अनुष्का को साइन किया और उनके साथ नया ब्रांड लॉन्च किया मोहे, कि मान्यवर तो आदमियों के लिए आ जाएगा, मोहे महिलाओं के आ जाएगा, ब्रांड लॉन्च। अब यहाँ पे मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ब्रिलियंट लेसन सीखो, वो चाहते हैं तो जो गर्ल्स के वियर थे वो मान्यवर ब्रांड में निकाल देते, क्या फर्क पड़ता, पर उनका नहीं, हर सेगमेंट के लिए अलग ब्रांड होगा, हर कैटेगरी के लिए अलग ब्रांड होगा, तो मान्यवर किसके लिए है, आदमियों के लिए, तो महिलाओं के लिए क्या निकालेंगे, मोहे। फिर उन्होंने कहा मान्यवर में तो मान लो 15-20 हज़ार की रेंज में जा रहे हैं कपड़े, अगर और महंगे कपड़े बेचने हो तो अपर मिडिल क्लास को टारगेट करना हो तो एक और ब्रांड लॉन्च कर दिया तो मैं हूँ। और उन्होंने कहा चलो मिडिल क्लास वाले तो ये ले रहे हैं और छोटा आदमी लेना चाहे तो, बोले एक और ब्रांड लॉन्च कर देते हैं मंथन। तो इनके पास लोअर कैटेगरी के लिए, मिड कैटेगरी के लिए, ऊपर कैटेगरी के लिए, सबके लिए अलग अलग ब्रांड है और सबको इंप्रेस करने के लिए अलग अलग ऐड है। जैसे कपल को अट्रैक्ट करना हो तो विराट कोहली अनुष्का आ जाते हैं, ये ऐसा कपल भाई साहब। यूथ को अट्रैक्ट करना हो तो कार्तिक आर्यन आ जाता है, रणवीर सिंह आ जाते हैं। और अगर महिला को अकेले अट्रैक्ट करना हो तो आलिया भट्ट आजकल मान्यवर में दिख रही है। तो बिजनेस लेसन नंबर 5, सारी मार्केटिंग एक अम्ब्रेला में नहीं होगी, हर प्रोडक्ट की ऑडियंस अलग है, हर आदमी का पॉकेट अलग है, पहले एक सेगमेंट पकड़ो, उसको मार्केट करो, कवर करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर सब आपका। तो भाई लोग ये केस स्टडी तो आप देख ही रहे हो, इससे तो बहुत कुछ आप सीखोगे, लेकिन अगर आप मार्केटिंग को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हो कि सर जी ये मार्केटिंग में कैसे एक एक ऑडियंस ढूंढी जाए, कैसे उनका पेन ढूंढा जाए, कैसे कैंपेन बनाया जाए, तो मार्केटिंग पे एक सेपरेट कोर्स है मेरा, नीचे लिंक गया है, वहां पे जाके आप देख सकते हो, 2 से 3 घंटे का है, बहुत सारे राज आपको उससे पता पड़ेंगे। अगर आपको कंपटीशन के मार्केट में जहां आप जैसा प्रोडक्ट 100 आदमी और बेच रहे हैं तो उसके बीच में एक ब्रांड क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करें, तो उस पे एक सेपरेट कोर्स है। और जो मैंने कहा व्यापारी टू सीईओ की क्लास हर संडे 10 से 2 होती है, वो अटेंड करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके तीनों लिंक में से क्लिक करो और मार्केटिंग, ब्रांडिंग और व्यापारी टू सीईओ, ये तीनों को डिटेल में देखो। अब हम चलते हैं केस स्टडी में आगे। राहुल जी इतनी मार्केटिंग कौन करेगा, मल्टीप्लेक्स में करने के पैसे कहां से लाए हम, आलिया भट्ट के पैसे थोड़ी हमारे पास, विराट कोहली के पैसे थोड़ी हमारे पास, इसके पास तो धन गड़ा हुआ है। नहीं भाई साहब, इसके पास एक स्ट्रेटजी है
स्ट्रेटजी नंबर थ्री, इसको कहते हैं री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। देखो सन 2003 की बात है, नए नए पैसे कमाने लगे और नए पैसा कमाने वाले को इच्छा होती है मैं पैसा शो ऑफ करूं। तो इन्होंने कहा मैं लेके आऊंगा मर्सिडीज। तो इनके पिताजी थे वही जो इनको 20,000 के लिए भगा दिए थे, वो बोले सुन बेटा क्या कर रहा है, बोले पापा मैं मर्सिडीज लेके आ रहा हूँ। बोले किसको दिखाएगा, बोले कुछ नहीं धंधे में लगाओ पैसा, ये मर्सिडीज दिखाने की है, दो दिन बाद भूल जाएंगे, ये मर्सिडीज का पैसा धंधे में जाएगा तो आगे बहुत मर्सिडीज आएगी। पिताजी की बात को गांठ बांध ली, जितना प्रॉफिट कमाते पर्सनल नहीं लगाते। सर जी 2003 में धंधा इतना चल निकला था कि मर्सिडीज खरीदने की कैपेसिटी थी, लेकिन भाई साहब इन्होंने मर्सिडीज नहीं खरीदी, होंडा सिटी चलाई 2017 तक, 15 साल। जब विराट कोहली को हायर कर रहे हैं तभी होंडा सिटी चला रहे हैं। तो 2017 में किसी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो घर वालों ने कहा भैया एक्सीडेंट हो गया मर कब जाओगे, सेफ्टी के हिसाब से मर्सिडीज लिए 2017 में। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जो भी सेल करते हैं उसकी मार्केटिंग का एक सर्टेन परसेंटेज लगाते हैं, उससे जो रेवेन्यू आता है वापस मार्केटिंग में लगा देते हैं। इनकी सेल को समझते हैं। 2019 में सेल थी 800 करोड़ रुपए, 20 में हो गई 915 करोड़ रुपए, फिर आ गया पेंडेमिक, कम होके रह गई 574 करोड़ रुपए। अब पेंडेमिक से निकले तो वापस 1040 करोड़ सेल हो गई। ये अपने रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा मार्केटिंग में नहीं लगाते, मार्केटिंग में 7.6% हिस्सा मार्केटिंग में लगाते हैं, यानी 1000 करोड़ की सेल है तो मात्र 75 करोड़ खर्च करेंगे ब्रांडिंग पे। और इनका जो प्रॉफिट मल्टीपल है मार्केटिंग पे वो है 6.6, मतलब हर 1 रुपया मार्केटिंग पे खर्च करने से इनका 6.5 रुपए प्रॉफिट बढ़ता है। रेवेन्यू की बात नहीं, प्रॉफिट। तो भैया क्यों नहीं करें मार्केटिंग? मैं आपको 1000 बार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के व्यापार टू सीईओ कोर्स में एडवांस क्लास में सब मैं क्या कहता हूं कि भैया मार्केटिंग के लिए शुरुआत सब छोटे ही करते हैं, पर उस पैसे को रीइन्वेस्ट किए जाओ तो बजट बढ़ता जाता है, प्रॉफिट बढ़ता जाता है, सेल बढ़ती जाती है, बशर्ते प्रोडक्ट में तुम्हारे दम हो। इनका प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री में हाईएस्ट है, इनका प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स है 30%, इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर साल है 75%। जितना पैसा है लगाते हैं 100 रुपए लगाते हैं साल में, 75 रुपए तो उसी साल आ जाते हैं, तो अगले साल देखो क्या आता होगा, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है खुद नहीं करते, आउटसोर्स करवा रखी है, डिजाइन देते हैं आउटसोर्स करवाते हैं भेज देते हैं, तो खुद मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा पंगा नहीं पाल रखा। ऑल ओवर इंडिया इनके 450 से ज्यादा वेंडर है जिनसे माल बनवाते हैं, एक जगह रखते हैं और भैया पहुंचवा देते हैं। दूसरा, इनका जो माल है भैया जितना बनाते हैं उतना बिक जाता है, इनका टोटल अनसोल्ड माल कितना रहता है, मात्र 3%। अब आपका सवाल कि राव जी इतना सारा माल बनाते हैं सारा थोड़ी बिकता होगा, और अगर बिक जाता है तो कैसे, ऐसा क्या जादू है? इनमें आती है इनकी स्ट्रेटजी नंबर 3, यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। इनको समझ में आ गया भैया कस्टमर के दिमाग को समझो और कस्टमर के बिहेवियर को समझ जाओगे ना क्या चाहता है क्या नहीं चाहता तो सब काम हो जाएगा। तो जब से इन्होंने पहला स्टोर खोला था और दूसरा स्टोर, तब से सॉफ्टवेयर में डेटा देखते हैं कि किस शहर में कौन सा कलर कौन सी डिजाइन किस प्राइस रेंज की माल चलता है, तो उस शहर में उसी तरह का कलर उसी तरह की डिजाइन उसी तरह की चीजें कि सर्दी में क्या चलता है गर्मी में क्या चलता है, दिवाली में हैदराबाद में तो ये चलता है पर मुंबई में ये चलता है, ईद अगर आ जाती है तो इस एरिया में ये बिकता है इस एरिया में ये बिकता, ये सारा डेटा है इनके पास, तो उस हिसाब से चीजें मैनेज करते हैं। तो वेस्टेज मात्र 3% रहता है और इसीलिए मान्यवर में बड़े से बड़े ब्रांड में लगती है, मान्यवर में कभी भी एंड ऑफ द सीजन सेल नहीं लगती। 3% माल इनका बचता है वो या तो इसको जला देते हैं या दान कर देते हैं, बेचते नहीं है। बिजनेस लेसन नंबर 6, डेटा स्किंग। देखो छोटे बिजनेस में तुक्का चलता है, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है ऐसे देख ले वैसे देख ले ये कर ले ना कर दे, बड़ा जब बिजनेस करना है या बड़े लेवल पे पहुंचना है बिना डेटा पार नहीं पड़ेगी। तुम्हारी समझ तुम्हारे तुक्के से 1-2-5 करोड़ की सेल होती है, 2-5 सौ करोड़ की सेल करने के लिए डेटा लगेगा, तो डेटा की आदत अभी से डालो। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रेटजी, जिसका जिक्र शायद सबसे पहले होना चाहिए था लेकिन मैं सबसे लास्ट में कर रहा हूँ वीडियो के अंत में, ताकि जो सीरियस आदमी उन तक ये बात पहुंचे, अरे गरे नत्थु खेरे को नहीं बतानी अपने को स्ट्रेटजी। चूज अ फील्ड विद लो कॉम्पिटिशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड। ये क्या हुआ राहुल जी, ऐसे बिजनेस को चूज करो जहां पे अभी लोगों की नजर नहीं है, कंपटीशन कम है पर आगे जाके उसकी चीज बुलंद है, क्योंकि कोई चीज तुम ऐसी देख रहे हो जो बाजार में इन है कि यार आजकल बाजार में यही चल रहा है, तुम वहां कूदोगे तो तुमको लग रहा है यही चल रहा है तो तुम्हारे जैसे 1000 आदमी और कूदेंगे, फिर कंपटीशन वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो जहां लोगों को अपॉर्चुनिटी ना दिखेगी वहीं पे गेम खेलना है, पर ऐसी जगह तुम खेल रहे हो जहां कुछ है ही नहीं और आगे भी कुछ नहीं है तो मर जाओगे। तो जहां आज कुछ नहीं है आगे कुछ है, ऐसी जगह पे ध्यान देना है। शेयर मार्केट में क्या होता है, कंपनी को ऐसे टाइम पे पकड़ो जब किसी और का ध्यान नहीं हो, तब खरीद लो सस्ती मिलेगी, फिर जब सबका ध्यान आएगा तो चीज बढ़ जाएगी, ये गेम खेलना है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन, यू कैन डू इट। वो एक बदमाश कंपनी का डायलॉग है कि बड़ी से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़ी आइडिया से बड़ा होता है। बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से बड़ा नहीं होता, एक आइडिया से बड़ा होता है। तो आपने आज देख लिया, उस बंदे के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई उसके पास मोटा पैसा नहीं था, कोई उसके पास सपोर्ट नहीं था, बस खाली मार्केट देखा, आइडिया देखा,
जिगरा लगाया, कुछ चीजें समझी और आज बड़े बड़े बिजनेसमैन उसकी केस स्टडी पढ़ रहे हैं। आज मैं भी आपको कुछ बता रहा हूँ और आप इसे सुन रहे हो और सीख रहे हो एक सामान्य से व्यापारी से जिसने किताबों से नहीं बाजार से सीखा। तो इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग केस स्टडी खत्म होती है और भी बहुत सारी केस स्टडी आने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन ये वीडियो वैसा याद रखना, फॉरवर्ड करना है जगह जगह, तुम्हें विराट कोहली की कसम।